बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलज भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के इस सभा में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय सीपी जोशी जी, विजयतय राहटकर जी, राजेंद्र गहलोत जी, भागीरथ चौधरी जी, जोगेश्वर गर्ग जी, अनीता भरेल जी, वासुदेव देवनानी जी, रमेश सोनी जी, ब्रिजलता हाड़ा जी, मंचासीन सभी महानुभाव और इतनी बारिश में भी यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं, बहनें और बंधुओं, मैं तो केवल छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी से सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की नगरी में बसने वाले लोगों को प्रणाम करने के लिए आया हूं, नमस्कार करने के लिए आया हूं। दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक नगरी है, ये वीरों की नगरी है। एक और जहां सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी कि जिसने मुगलों को दांतों तले चने चबाने को मजबूर कर दिया और मोहम्मद घोरी को दिखा दिया कि जब पृथ्वीराज चौहान मैदान में उतरते हैं तो कितनी भी फौजें आ जाए उनको कोई रोक नहीं सकता, ऐसी ये नगरी है। आज सुबह हमने पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है और वहां पर ब्रह्मा जी से केवल इतना ही आशीर्वाद मांगा है कि राजस्थान वासियों को अब गहलोत की सरकार से मुक्ति दो और राजस्थान वासियों को मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार अब बहाल कर दो, इतना ही हमने निवेदन किया है। दोस्तों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इस राजस्थान में जगह जगह मुझे अशोक गहलोत जी के पोस्टर दिखते हैं और उसमें लिखा है 2030 तक राजस्थान को नंबर वन बनाना है। गहलोत जी सुझाव मांग रहे हैं, आप सब लोग गहलोत जी को सुझाव भेज दो। गहलोत जी, अगर नंबर वन राजस्थान को बनाना है, आप घर बैठो और मोदी जी के हाथ में राजस्थान दे दो, राजस्थान अपने आप नंबर वन बन जाएगा। दोस्तों, ये राजस्थान की अनाचारी, दुराचारी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी सरकार को दूर करके मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार अब राजस्थान में हमें बनानी है और मेरा विश्वास है ये परिवर्तन यात्रा निकली है। ये परिवर्तन सत्ता का नहीं है, ये परिवर्तन समाज का है, ये परिवर्तन केवल मुख्यमंत्री का नहीं है, ये परिवर्तन लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा और ये परिवर्तन यात्रा सफल होगी और हमारे राजस्थान में परिवर्तन होगा। मैं आपका समय नहीं लूंगा, बारिश बढ़ रही है, लेकिन आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं। हमने अजमेर में प्रवेश किया, यहां आने को पौने दो घंटे लग गए। रास्ते पर इतने लोग, हजारों लोगों ने स्वागत किया, बारिश की परवाह किए बिना व्यापारी थे, नागरिक थे, सभी लोग स्वागत कर रहे थे। तो मैं ये समझ गया अजमेर वासियों ने तय कर लिया है कि अब यहाँ पर राजस्थान में मोदी जी की सरकार बनेगी, मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार बनेगी। परिवर्तन की बेला मुझे पूरे राजस्थान में दिखाई पड़ रही है और मेरा विश्वास है परिवर्तन होके रहेगा, मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार राजस्थान में तैयार होगी। इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए मोदी जी तो राजस्थान को आगे ले जाना चाहते, मोदी जी का इंजन सीधा पड़ रहा है, लेकिन गहलोत जी का इंजन राजस्थान को पीछे खींच रहा है।
मोदी जी का आगे और गहलोत जी का पीछे जाएगा, राजस्थान धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन मोदी जी के इंजन के साथ अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री का बीजेपी का इंजन लगेगा तो राजस्थान की रेल इतनी तेजी से दौड़ेगी कि राजस्थान को कोई रोक नहीं पाएगा। तो नंबर वन राजस्थान बनाने के लिए आप मोदी जी का साथ दीजिए, इतना ही निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।